नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम फिटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे कि फिटिंग अवधारणाएं क्या हैं। जैसे कि अभी हम अपैरल डिज़ाइनिंग के अंतर्गत अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट साइज के गारमेंट्स पैटर्न्स को बनाने की बातचीत करते हैं। जब हम गारमेंट बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक अवधारणा होती है कि कपड़े की फिटिंग कैसे आएगी। तो अब हम बात करेंगे फिटिंग कॉन्सेप्ट्स की। फिटिंग में जब गारमेंट की बात करते हैं तो उसमें फिटिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि कपड़ा और गुड फिटेड गारमेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि फिगर इरेगुलरिटीज़ क्या हैं। मीन्स मानव आकृति में अनियमितताएं होती हैं। कोई भी आकृति जो भी किसी भी ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसमें सम इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो उनकी बातचीत करते हैं। जब हम एक जनरल में बातचीत करते हैं कि कोई गारमेंट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका शोल्डर, बस्ट, वेस्ट और हिप। ये जो कंटूर्स हैं इनमें हमारे गारमेंट कैसा फिटेड है या नहीं है। तो जो अब हम बात करते हैं कि जब माना हम फिटिंग की बात करते हैं किसी भी गारमेंट की, तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज का हमारा ह्यूमन फिगर है, जिसमें कि शोल्डर, बस्ट, वेस्ट एक प्रोपोर्शनेट में है और उनमें कुछ भी फिगर की इरेगुलरिटीज नहीं है। तो इस फिगर में दिखाया गया है कि एक स्टैंडर्ड फिगर है जिसमें शोल्डर, बस्ट, वेस्ट एंड हिप जो है एक समान अनुपात में है। तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न फिगर, मानक पैटर्न आकृति क्या है। ये एक काल्पनिक आकृति है जिसके लिए एक पैटर्न बनाया जाता है और इसमें परिपूर्ण आसन, सममित विशेषताएं हैं जैसे समान अनुपात और आकृति है। मीन्स इसमें जो प्रोपोर्शंस हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी का वो पूरा एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में है और उसमें कुछ भी अनियमितताएं नहीं है। मानक आकृति से किसी की भी तरह भिन्न होना निश्चित है। जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी में इरेगुलरिटीज होती ही हैं। कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं जैसे सपोज लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लेफ्ट लेग राइट लेग में हमारा डिफरेंस होगा, इवन हमारे शोल्डर्स में भी डिफरेंस होता है। लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की जब बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कुछ ना कुछ पॉइंट सेंटीमीटर या मिलीमीटर का डिफरेंस होता ही है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन प्रोपोर्शन, अनुपात में क्या भिन्नता है। जब मुख्य विशेषताएं जैसे कि बस्ट है हमारा, हिप है, वेस्ट है, मानक पैटर्न की तुलना में वो उसकी ऊंचाई के साथ अधिक या कम हो सकती है। जो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है उसमें जो भी हमारा बस्ट है, वेस्ट है और हिप है, उसका मेजरमेंट्स जो है वो एक प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं ह्यूमन बॉडी में वो एक डिफरेंस होगा। जो स्टैंडर्ड है उसमें तो प्रोपोर्शन में होगा लेकिन ह्यूमन बॉडी में उसमें डिफरेंस रहेगा। और जो हेम की लंबाई है, मीन्स हेम की लंबाई मीन्स कोई भी गारमेंट है, गारमेंट का जो नीचे का पोर्शन होता है, सपोज हमारा पैंट है, पैंट का जो लोअर पोर्शन है, या स्कर्ट है, स्कर्ट का लोअर पोर्शन है, या कुर्ता है, कुर्ते का जो लोअर पोर्शन है हमारा, वो हमारी क्या कहलाती है, हेम लेंथ कहलाती है, जिसको मैंने लिखा है हेम की लंबाई। ये व्यक्तिगत अनुपात का सवाल होता है और वर्तमान फैशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हमने बात करी कि शोल्डर है, बस्ट है, वेस्ट है और हमारा हिप है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। बट जो हमारा हेम लेंथ होगी, किसी भी गारमेंट की लेंथ है और यह उसका जो घेरा है, परिधि है, वो हमारे फैशन के अकॉर्डिंग या इंडिविजुअल चॉइस के अकॉर्डिंग या उसकी बॉडी में फिगर में क्या प्रिफर करता है उस पर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन कंटूर्स, आकार में जो भिन्नता होती है। मानव शरीर में जो हमारे वक्र हैं या उभार हैं, जो हमारे उसमें ह्यूमन बॉडी में ये जो कहना चाहिए कि वक्र हैं या उभार हैं, केवल पैटर्न के मानक से भिन्न हो सकते हैं बल्कि समय के साथ इनमें चेंज होता है, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी में कर्व्स हैं या कोई भी फ्लैशी बॉडी है, जैसे या अधिक बस्टी पर्सन है या उसके कहना चाहिए शोल्डर ऊँचे हैं या एज के अकॉर्डिंग बोन्स में हमारा चेंज आता है, तो जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी में कर्व्स हैं ये सारे चीज़ें एज के अनुसार भी चेंज हो सकते हैं या फूड पैटर्न के या लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, और हमेशा ये हमारा जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है उससे डिफरेंट होते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो पहला है वो स्टैंडर्ड है, जो दूसरा वाला है वो एक इंडिविजुअल बॉडी को उससे कंपेयर किया है। जैसे आप देख सकते हैं जो पहला वाला फिगर है उसमें जो पैटर्न है वो एक स्टैंडर्ड है, उसमें देखिए प्रोपोर्शन दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर जो सेकेंड
फिगर है उसमें जो हमारा वेस्ट है और हिप का जो मेजरमेंट है लाइन के थ्रू दिखाया गया है वो उसमें देखिए बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन पॉस्चर, किसी के आकार में कैसे भिन्नता होगी। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं जो हमारा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला हमारा स्टैंडर्ड है ए, उसमें देखिए सर जी प्रपोर्शन में है, चाहे शोल्डर का है हमारा जो पॉस्चर दिखाई पड़ रहा है, शोल्डर है, हिप है, वेस्ट है, बस्ट है। और वहीं पे जो हमारा बी एंड सी है उसमें देखिए पहले वाले में जो बी है उसमें हमारा पीछे से कूबर निकला हुआ है, हम्प निकला हुआ है, और जो हमारा हिप का है उसमें कर्व ज़्यादा है। वहीं पे जो हमारा सी फिगर है उसमें वो बस्टी पोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन। तो विभिन्न प्रकार के आसन ए बी सी में जो हमने दिखाया गया है वो हमारी फिटिंग समस्याओं को दिखाता है। इसके कारण क्या है, जो फिगर में ये वेरिएशंस आ रहे हैं इसके कारण क्या होता है, हमारे जो गारमेंट है उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है, प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो इन फिटिंग्स को रिजॉल्व करने के लिए भी हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, गारमेंट में को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि इन जो ये प्रॉब्लम्स है हमारे फिगर में उसको हम हाइड कर सकें, छुपा सकें। अब हम बात करते हैं समरूपता में भिन्नता, वेरिएशन इन सिमेट्री। लगभग हर किसी का, जो मैंने इससे पहले भी बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो बाया पोर्शन है वो दाएं पोर्शन से डिफरेंट होता है, और वैसे ही हमारा वो लैग है, चाहे हमारे हैंड है या हमारा शोल्डर है, इनमें वेरिएशंस होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी कोई आकृति विषम होती है तो वस्त्र अलग अलग तरह से लटकने लगते हैं या एक दूसरे में उसमें सिलवटें फॉर्म होने लग जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी हमें जो हम डिज़ाइन फीचर्स गारमेंट में डाल रहे हैं तो उनको हमको प्रॉपर वे में डालना है, जिससे कि सिमेट्री आए और कोई भी गारमेंट में उसमें रिंकल्स फॉर्म ना हो और कोई भी चीज़ उसमें मतलब कहना चाहिए अनफिटेड ना लगे, प्रॉपर फिटिंग के साथ आए। तो हमें गारमेंट डिज़ाइनिंग पहले इसलिए हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी ह्यूमन बॉडी की, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन फीचर्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे गारमेंट हमारा प्रॉपर फिटिंग में आए। अब हम बात करते हैं कि जब स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड फिट की हम बात कर रहे हैं तो गुड फिट है क्या। जब हम किसी भी गारमेंट की बात करते हैं और उसको किस गारमेंट को हम कहेंगे कि अच्छी फिटिंग वाला गारमेंट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ईज होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। जो उसका गारमेंट का ग्रेन है, जो लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज जो ग्रेन होते हैं हमारे कपड़े के, वो प्रॉपर लेंथ वाइज में वर्टिकल ही आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल क्रॉस वाले हॉरिजॉन्टल ही आने चाहिए। और हमारे गारमेंट की जो रेखा है वो कैसी है, सेट कैसा है, मीन्स उसमें कोई रिंकल तो फॉर्म नहीं हो रहे हैं। और जो गारमेंट का बैलेंस है, बैलेंस किसे बोलेंगे, जो भी डिज़ाइन फीचर्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे डिज़ाइन फीचर ऐड हुए उसमें फिट हो रहे हैं, हमारा गारमेंट पूरा बैलेंस्ड है या नहीं है, उसको हम गुड फिटेड गारमेंट करेंगे। जब ये पांचों फीचर्स किसी गारमेंट में है तब उसको हम बोलेंगे कि वो प्रॉपरली फिटेड गारमेंट है। तो हम बात करते हैं सहजता, ईज क्या है। जब कोई भी डिज़ाइनर द्वारा कोई गारमेंट बनाया जाता है तो शरीर के किसी भी बिंदु की माप की अतिरिक्त राशि को हम उसमें ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा मेजरमेंट ऐड करते हैं, जिससे कि गारमेंट को हमको पहनने में या उतारने में सुविधा रहे, उसको हम बोलते हैं ईज, जिसको हम कहते हैं गारमेंट ईज। मीन्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कभी भी आपने देखा होगा कि जब हमारा बॉडी मेजरमेंट लेता है टेलर तो हमेशा टू फिगर्स की ईज रखता है डाल के। तो क्या है, मीन्स जो हमारा अगर सपोज हमारा 30 बस साइज है तो हम उसमें कम से कम 2 इंचेस की ईज रखेंगे, जो कि हमारा सीम अलाउंस में जाएगी और उसमें गारमेंट को पहनने और उतारने में भी हमें आसानी रहे, तो उसको हम बोलते हैं गारमेंट ईज। सहजता के एक उदाहरण, जैसे कि सपोज अगर बस्त क्षेत्र में 3 से 4 इंच की सहजता की आवश्यकता होती है तो कमर में भी हमें 1/2 इंच की सहजता की आवश्यकता होगी। ऐसा है कि कोई भी गारमेंट है उसकी जहाँ जहाँ हम मेजरमेंट लेंगे तो उसमें हर पॉइंट में, सपोज एक पहले क्या कि हमने मैंने जैसे आपको बताया था, सपोज 30 हमारा बस्त साइज है और 32 हमारा वेस्ट है, या 30 हमारा वेस्ट है और हमारा हिप साइज मान लो 20 है, तो उसमें 1/2 या 1.5 और 2 इंच की बस साइज में हम ईज रखेंगे, जिससे कपड़े को पहनने में, सिलने में और कभी अगर टाइट होता है तो उसको खोलने के लिए भी हमारे पास सीम अलाउंस रहे। तो ये सारी चीज़ देखते हुए हमको गारमेंट का मेजरमेंट लेना पड़ता है। सबसे पहले जो हम ईज रखते हैं वो रखते हैं कि वेयरिंग ईज बोलते हैं, जिसे गारमेंट में वेयरिंग ईज मीन्स को जिसको पहनने और उतारने में हमें सुविधा रहे। और आस्तीन के लिए हमें 2 इंच की सहजता की आवश्यकता होती है ताकि हाथ को उठाया जा सके, आराम से उसको हम लटका सकें और उठा सकें हाथ को। अब हम बात करते हैं ग्रेन। जैसे मैंने बताया कि जब हम बॉडी में किसी भी गारमेंट को पहन रहे हैं तो
किसको प्रॉपर फिटेड होना चाहिए और किसको हम गुड फिट कहेंगे, तो उसका सेकंड पैरामीटर है ग्रेन, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड फिट के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेन क्या है, मीन्स जो हमारा क्रॉस वाइज, जो हमारा वूवन क्लोथ होता है उसमें क्रॉस वाइज एंड लेंथ वाइज हमारे ग्रेन होते हैं। जो लेंथ वाइज ग्रेन होता है वो हमारे सैल्वेज के पैलर होता है, और जो क्रॉस वाइज ग्रेन है, क्रॉस वाइज ग्रेन और लेंथ वाइज ग्रेन जो है वो 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, और जो डायगनल है बायस है वो 45 डिग्री के एंगल में होता है, ट्रू बायस जिसे बोलते हैं। ट्रू बायस में क्या होता है, वो टोटली उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो खिंच सकता है कपड़ा हमारा। तो जैसे हम जब पाइपिंग लगाते हैं तो हम ट्रू बायस मीन्स कि उसको तिरछे में लेते हैं, बायस में लेते हैं, और लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज हमारा कपड़ा जो है जिससे हम गारमेंट बना रहे हैं उसकी जो ग्रेन्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर कैसे होंगे, जिसमें क्रॉस वाइज और लेंथ वाइज ग्रेन हमारे 90 डिग्री के एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमारा जो लेंथ वाइज ग्रेन है वो हमारे सैंडविच के पैलर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लाइन की, लाइन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए मीन्स जो भी अगर कोई गारमेंट है, सपोज किसी गारमेंट में हम प्रिंसेस पैनल बना रहे हैं। प्रिंसेस पैनल क्या होता है, जो हमारा शोल्डर टू ओवर टू बस्ट होते हुए वेस्ट में जाता है, या हमारी जो साइड की सीम है वो भी हमारी एक लाइन में होती है, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी सिलवट के होनी चाहिए, उसमें कोई क्रीज नहीं पड़नी चाहिए। और स्टाइल लाइंस जैसे मैंने बताया प्रिंसेस लाइन है, या हमारा शोल्डर योक है, जो भी हमारी स्टिचिंग लाइंस हैं, जो भी हम इसमें या डिज़ाइन फीचर्स के लिए हम कोई लाइन इंक्लूड कर रहे हैं उसमें कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। जो हमने उसमें लाइन डाली है डिज़ाइन के लिए उसी लाइन को वो आना चाहिए। अगर कर्व्ड लाइन है तो स्ट्रेट कर्व लाइन होनी चाहिए। देर शुड नॉट बी एनी क्रीज और एनी रिंकल इन द गारमेंट व्हेन एनी ह्यूमन बॉडी इज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर गारमेंट। अब हम बात करते हैं सेट की। सेट क्या है, सेट उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें कि वस्त्र का आकार मनुष्य की आकृति को में फिट बैठे, उसमें दिखने वाला कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए और कोई भी उसमें रिंकल्स फॉर्म नहीं होनी चाहिए, टोटली स्मूथ होना चाहिए। गारमेंट है जिसमें जो भी हमने डिज़ाइन फीचर्स ऐड करे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और वो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर तरीके से फिट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस क्या है, जब गारमेंट में बात कर रहे हैं कि गुड फिटेड गारमेंट का एक स्टैंडर्ड है कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए। संतुलन की हम जब बात करते हैं, संतुलन परिधान और आकृति, जो हमारा गारमेंट है ह्यूमन बॉडी का फिगर है उसके बीच में होना चाहिए बैलेंस, और परिधान के विभिन्न भागों के बीच में भी हमारा समन्वय होना चाहिए। सपोज अगर उसमें हम कोई पॉकेट इंक्लूड कर रहे हैं, कोई हम उसमें डिजाइनिंग फीचर, सपोज कोई अगर हम प्लीज डाल रहे हैं, टक्स डाल रहे हैं, या कोई प्रिंसेस लाइन उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो टोटली बैलेंस होनी चाहिए पूरे गारमेंट के साथ। वहीं पे हमारे जब बात करते हैं परिधान, सभी बिंदुओं पर आकृति के दोनों ओर समान रूप से बैलेंस्ड रूप से उसमें हमारा सुशोभित होना चाहिए, मीन्स कहीं भी वो लटका हुआ या हमें झूलता हुआ ना लगे गारमेंट। और जब भी हमारे सामने या पीछे किनारे से देखा जाए तो वो प्रॉपर फिटेड हो और उसकी जो लेंथ है या हमारा क्रॉस वाइज ग्रेन है वो प्रॉपर आना चाहिए, मींस कि जो लेंथ वाइज ग्रेन है वो टोटली हमारा स्ट्रेट होना चाहिए और वो हमारा सीधे उसका जो कैची डायरेक्शन है वो हमारा टूवर्ड्स द फ्लोर होगा। इसके मैं साथ कहूँगी कि जो हमने डिज़ाइन फीचर्स आपको गारमेंट के लिए बताए कि जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारा ह्यूमन बॉडी की जो वेरिएशन है वो हमें पता होने चाहिए, और जो गुड फिटेड गारमेंट्स के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो सारे फुलफिल करने चाहिए, तब हम किसी गारमेंट को कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली फिटेड गारमेंट है, और ये हमारे फिटेड गारमेंट की अवधारणाएँ हैं। धन्यवाद।